अगर कोई शिया मौलवी कह रहा है कि सुन्नियों की बात मत सुनो सिर्फ हमारी बात सुनो, वो झूठ कह रहा है। अगर कोई सुन्नी मौलवी कह रहा है कि शियों की बात मत सुनो सिर्फ हमारी बात सुनो, वो झूठ कह रहा है। कुरान कह रहा है यस्तमीउन अलकौल, उस वक्त तुम्हें हक मिलेगा कि सारे मजहब की रिसर्च करो तब पता चलेगा हक कहाँ है बात। फिदक का मसला उन मसाइल में से एक है जो शिया सुन्नी इख्तलाफ की अहम वजह है। ये वही मसला है जिसकी वजह से शिया खलीफा अव्वल को अच्छा नहीं समझते। ये फिदक सीरीज़ पर पहली वीडियो है। आज की वीडियो में सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम मसलक के उलमाए मसला फिदक पर अपनी क्या राय रखते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन किस हद तक सही था। आइए चलते हैं आज के पहले आलिम की तरफ। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, ये उनका मौकिफ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजेरियल इशू था और इसमें सईदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उन बशरी तकाजे के तहत थी। इस पे नाउज बिल्ला ये फिट करना कि जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, सईदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे। ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सईदा फातिमा रही है, सईदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया। जरा एक मामला चल रहा था। ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सईदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी, जिसकी जरूरत थी उनको हदीस पता थी। बेसिकली ये मैनेजमेंट का इशू था। कोई कहे कि वो हदीस सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुनी थी तो सैयदा फातिमा तो ज़ारा ने क्यों नहीं सुनी थी, ये कोई कहने की बात है? मैंने एक मिसाल दे दी कि सहाबाए कराम ने अल्लाह को दीदार करने की हदीस सुनी थी और ज़ौजाए मुतरमा जो सबसे महबूब ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका उन्होंने नहीं सुनी थी, तो दो राय बन गई। सो एक मौका पर एक चीज फरमाई, सहाबाए कराम की मजलिस में इरशाद फरमाया होगा सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुनी, सैयदाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहीं सुनी थी। आपका इज्तिहाद था कि चूंकि आका अलैहिस्सलाम के कब्ज़ो तसर्रुफ में रहा उम्र भर माले फै फदक समेत बाकी अम्बाल, उससे ये इज्तिहादी तौर पे ख्याल का पैदा हो जाना कि ये आका अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है वरना तकसीम हो जाते, ये एक सवाल था जहन में। विसाल के बाद ये सवाल लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गई तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस सुना दी और बाद में कई और सहाबा ने उसकी तायद कर दी कि आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि हमारी माल में कोई वरासत नहीं होती। और अब यह हदीस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस लिए गादेबत की बात गलत है। तो जब यह बात सुनी तो एक तबीयत में रंज का या मलाल का आ जाना या एक ताज्जुब का आ जाना एक फितरी अम्र है। इसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा अबू बकर सिद्दीक के पास गई, क्या हम खलीफत रसूलुल्लाह मुसलमानों के खलीफा हजूर के जानशीन, ये फिदक का बाग तो मेरे अब्बा जी का था, आप मुझे दो। हज़रत ज़हरा को इश्काल क्यों था? वजह ये थी जब ये खैबर फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ने फिदक का बाग रखा और इसकी आमदनी अज़वाज मुतहरात को देते थे, अपने घर पे खर्च करते थे। उससे उनको शक पड़ा कि चूंकि अब्बा जी की जमीन थी वो फौत हो गए, अब हमारा हक है। तो ज़हरा ने कहा सिद्दीक ये बाग फिदक हमें दो, हमारे अबू का था। हज़रत सिद्दीक ने कहा फातिमा मैंने तुम्हारे ही अब्बा से हदीस सुनी है कि नबी जब फौत हो जाए तो नबी का रिश्तेदार नबी के माल का वारिस नहीं होता, नबी का माल पूरी उम्मत को सदका में मिलता है। ज़हरा खामोश हो गई और 6 माह तक जिंदा रही, दोबारा एक बार भी नहीं पूछा, इसी तरह दुनिया से चलेगी। ज़हरा को मसला समझ आ गया, तुझे समझ नहीं आया। Some historians in Kufa, they said there are more palm trees in Fedak than the entire city of Kufa. Kufa ke kuch tareekh dan kehte hain ki baag e fidak mein pure Kufa se zyada palm ke drakht the. Isse aap andaaza laga sakte hain ki fidak kitna zarkhez tha. Bibi Fatima ko 7 saal se hi is baag ki rasai mil gayi thi, inke mazdoor wahan kaam karte the. Hamare paas wazeh hadees hai ki fidak ahle bait se le liya gaya. Abu Bakr jab Saqifa ki meeting ke baad khalifa bana, सैयद फातिमा दरबार गई और कहा यह ज़मीन मेरी मलकियत है,
मेरे पास इसका इस्लामी सबूत है। सबसे पहले इस्लाम का असूल यह है कि जब कोई किसी जायदाद में रहता है और आप क्लेम करते हैं कि ये जायदाद मेरी है, तो आपको सबूत लाना होता है। इस बंदे से सबूत नहीं मांग सकते जिसके पास कब्ज़ा है। मसलन मेरी जेब में अगर एक फ़ोन है, तो मुझे आप में से किसी को ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोबाइल मेरा है। बल्कि अगर आप में से कोई क्लेम करता है कि ये मोबाइल मेरा है, तो आपको सबूत देना होगा। लिहाजा बीबी फातिमा को कोई सबूत लाने की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत फातिमा तो ज़हरा को बताया गया कि ये ज़मीन उनकी नहीं बल्कि मुसलमानों की है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये मेरी मलकियत नहीं है, तो मैं नबी की वारिस हूँ, ये जायदाद फिर भी मेरी बनती है। इस पर खलीफा ने एक हदीस गढ़ी और कहा, अम्बिया की कोई विरासत नहीं होती, वो जो छोड़ते हैं वो सदका होती है। इस पर सैयदा फातिमा ने कुरान की एक आयत पेश की जिसमें सलमान और दाऊद की विरासत का जिक्र है। मैं इत्तेफाक के शिया और सुन्ना पहली हुकूमत ने फदक ले लिया। इधर तो इत्तेफाक इख्तिलाफ इस दविच है, हुकूमत हक दोता आई या दुख्तरे पैगंबर हक दोता आई, इस दविच इख्तिलाफ है। ये शिया उसले भी याद दिया है जो रसूल दी दी हक है, हूं भी याद है जो रसूल दी दी हक आई, अगा भी आदे वैसन जो रसूल दी दी हक ताही। एक नाराजगी और रजामंदी का मेयार है, लोगों के नजदीक कोई मेयार नहीं, साडा एक मेयार है जिस दोते जहरा और अली राजी, असी राजी, जिस दे नाराज असी नाराज। हुक्म सादिर ये हुआ कि फदक ये जनाबे सैयदा से वापस लिया जाए, हुकूमती मिल्कियत में आ जाए। सियासी पहलू इस इकदाम का ये था, हुकूमतें उमूमन ऐसे फैसले करती हैं ताकि रकीब इनका माली तौर पर भी मफलूज हो जाए और इज्तमाई हैसियत भी उसकी लोगों के निगाहों में वो ना रहे। बहुत सारे मुहक्किकीन ने, उलमा ने इस मौजू पर कुतुब तालीफ की हैं कि ये रकबा जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया जनाब सैयदा को किस बाब से था, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, यही काफ़ी है। साहिब शरीयत ने हुक्म खुदा से ये हक बीबी को दे दिया। अगर ये जायदाद ले लेना दुरुस्त है, तो इसका मतलब है देना नऊज़ुबिल्लाह दुरुस्त नहीं था। अगर देना दुरुस्त था तो फिर लेना वापस दुरुस्त नहीं है। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अपना मुतालबा लेकर सैयद अबू बकर सिद्दीक के पास गई थी कि जागीर फदक से मेरा हिस्सा है, मुझे दिया जाए। तो सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान सुनाया, ला नूरस मा तरकना सदका, कि हम नबियों के वारिस नहीं होते, हमारा मतलूका माल सदका होता है। सैयद अबू बकर सिद्दीक ने जब हदीस रसूल पेश की तो सैयदा रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस पर राजी हो गई और आपके फैसले के सामने सर नबू हो गई। बाज रवायात में है कि वो नाराज़ हो गई सैयद अबू बकर से और उनसे बोल चाल ख़त्म कर दी थी। याद रखिए कि ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है। इस बाब में जितनी भी रवायतें हैं वो सारी की सारी ज़ियाफ़ हैं, गैर साबित हैं। जैसा कि एक रवायत है सही बुखारी में 4240 और सही मुस्लिम में 1759। सैयदा फातिमा सैयद अबू बकर से खफा हो गई थी इस बात पर कि आपने ये कहा कि आपका मीरास में हिस्सा नहीं है, और उनसे उन्होंने मुलाकात भी छोड़ दी और वक्त वफात तक सैयद अबू बकर से कलाम भी नहीं किया। ये जो रवायत है ये रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस नहीं है, ये सहाबी का कौल नहीं, ये ज़ोहरी का कौल है, ये इदराज कहते हैं इसको, यानी ज़ोहरी का सैयद फातिमा से समा आई नहीं है। तो फिर किसी रवायत से भी सैयद फातिमा का सैयद अबू बकर से नाराज़ होना साबित नहीं है। ये जितने भी खैबर के बागात वगैरह थे इनका एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लम के अपने अखराजात, आपके घर के अखराजात, और जो आपको दूसरे लोगों की मदद करना होती थी उसके लिए वक्फ कर दिया गया था। बाद में ये सवाल पैदा हुआ कि अब ये किसकी मलकियत है, तो सैयद अबू बकर सिद्दीक ने उसके बारे में ये फैसला किया कि ये किसी की मलकियत नहीं है, ये हुजूर के खानदान की जरूरतों के लिए, आपकी जरूरतों के लिए वक्फ किया गया था, लिहाजा रियासत इसका बंदोबस्त करेगी और जरूरतें जैसे पहले पूरी की जाती थी वैसे ही अब पूरी की जाती रहेगी। ये फैसला होने की, ये मामला किसी भी तरीके से हो सकता था, यानी ऐसा भी हो सकता था कि रियासत इस मामले में जो कुछ फसल आती है उसको दे दे या जो आमदनी होती है, या उन्हीं के सुपुर्द कर दें कि आप इसमें से अपने अखराजात पूरे करते रहिए। तो ये दूसरा तरीका भी इख्तियार करने में कोई माने नहीं था, लेकिन वो मैं अब तफसील नहीं करना चाहता। उसमें झगड़ा कुछ हो गया खुद खानदान के लोगों में, और उस झगड़े की वजह से फिर यही पसंद किया गया कि मामला रियासत के पास रहे। नज़्म व नस्क में जो तरीका आप चाहे इख्तियार कर ले। अहले सुन्नत का तज़किरा आ जाऊंगा, अहले सुन्नत की यहाँ से इन्होंने ये किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता, मगर इनका पता हजरत फातिमा को कोई नहीं। इस पर कहना हजरत फातिमा ने इस मसले की खबर नहीं थी, ये साफ लफ्ज़ों में रसूलुल्लाह ने मुजरम बनाया।
ایک گل کیا نہیں گناہ کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں دسیا نہیں فاطمہ دے علم سی کہ نبیاں دا وارث نہیں گل ذہن چ رکھو جہاں کہ علم نہیں سی جھوٹ بول اور نہ اس حدیث حضرت ابو بکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک ہے اس تو حدیث کا رولا نہیں بھائی رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوئی اور ناراض بھی نہیں ہوئی مرن تک پھر کرام نہیں کی اتنے بھی جھوٹ بول کہ بعد جا کر ابو بکر نے منا رہا جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی آخر تک ناراض رہی ہے ناراض مری ہے اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ رات ناراضی دفن کر رہا ہے صحیح بخاری مسلم ہر ایک جا یہ تو مکرن کا کوئی حل ہوں ایویں اپنے کو حدیثاں بنا کے جی حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا کیا یہ ایسے وقت نہیں ورنہ میں تمہیں میزان لے عدالت پڑھے بالکل جعلی راضی کی بنائی ہے کچھ اتری یہ نہیں جنازے سے آئے نہ کہ انہوں نے سدیا ناراض مری حضرت فاطمہ کوئی شک نہیں مگر سوچن کی بات ہے ناراض کیوں ہے فہم کا احترام حدیث بالکل سچی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں نبی کی زمین مل نہیں سکتی مل سکتی نہیں سی وراثت آؤں وراثت اس طرح نہیں سی آؤں پھر رسول اللہ نے وقف کرتا ہوں وہ ناظر کا مسئلہ یہ نگرانی کون کرے حضرت ابو بکر رضی اللہ اس ٹائم سے میں خلیفہ وقت ہے اس تو خلیفہ آتا ہے اس زمین کا نگران امت والی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ سی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا سی ہفتہ وہ نگران سے جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث بہت نگران سے رسول اللہ کا وقف ہے وارس ہوتے اے جڑا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے وہ آدھے نہیں وارس نگران چلے ادا ہی رہا سوائے اس جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر لیا اور اے امام ابن حدیث ابن الحدیث مدری نے کیا میں ساری بحث اچھی سچا کر دینا حضرت بکر مگر یہ جواب کوئی نہیں بس یہ عثمان کو یہ اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا کہ حضرت بکر کو اختیار نہیں جس کے نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا اچھا اس میں گزارش کروں شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی اور ان کی اپنی بات نہیں تھی انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ علامہ سندھی جو میری معلومات میں شاید علامہ عبید اللہ سندھی جو برصغیر کے مشہور عالم بھی تھے اور غالباً پولیٹیکل لیڈر بھی رہے ہیں تقسیم ہے ان سے قبل کے اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے بہت بڑے محدث تھے ان کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اور میں مفتی صاحب بھی زندگی بھر کی تحقیق میں پوری زندگی اس مسئلے میں شدید پریشانی کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچو بڑھاپے میں جا کے کہ یہ مسئلہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی اور اب انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں اب آپ بھی حیران ہو گئے پھر کس چیز کا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ مسئلہ تھا کیئر ٹیکنگ کا متولی ہونے کا عبید اللہ سندھی انور شاہ کشمیری یہ اس زمانے میں نہیں تھے جب زمانے میں یہ فدق کا جھگڑا جب ہوا ہے تنازع ہوا ہے وہ اس وقت نہیں تھے کہ اپنے مشاہدات بتائیں یہ اپنے اجتہادات نظریہ بتاتے نظریہ وہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق ہو اگر نظریہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہے کیا ہے وہ اس کو بولتے ہیں ٹریش اچھی بات ہے دو عزیزوں دیکھو کہتے ہیں کہ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا ملاحظہ فرما یہ حدیث ہے بخاری میں دار احیاء کہاں ہے دار احیاء تراث العربی عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا کس کے لیے طلب کرنے کے لیے اپنا میراث ان کا کون سا میراث جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا مما یہ نس الفاظ ہیں بخاری کے اور نس الفاظ ہیں کس کے نس الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے جو آپ کے کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا جو مدینہ میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باغات ہیں جو جائیداد ہیں اور فدق میں جو ہے جو ان کے باغات ہیں یہ میراث یہ نس الفاظ ہیں اچھا تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا دلیل دکھائیے مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں My own research I do believe personally, and let me put it on record, an injustice was done to Sayyida Fatima, salam alayhi. میری اپنی تحقیق جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی اب کیا یہ ناانصافی جان بوجھ کر کی گئی یقیناً یہ ناانصافی جان بوجھ کر نہیں کی گئی بلکہ یہ ڈفرینس آف اوپینین تھا یہ سمجھنے کا فرق تھا لیکن پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سید فاطمہ سے ناانصافی ہوئی ہے کیونکہ اگر فاطمہ کو فدق نہیں مل سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے داماد مروان کو گفٹ کر دیا یہاں تک کہ جب عمر ابن عبدالعزیز تک یہ پہنچا تو انہوں نے اہل بیت کو واپس کر دیا
यहाँ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जब आपके पास खबर वाहिद हो तो वो कुरान की आयत से बढ़कर नहीं हो सकती। अब अगर विरासत का सवाल किया जाए तो अगर नबी की बेटी विरासत नहीं ले सकती तो आयशा इस जायदाद की मालिक कैसे बन सकती है जहाँ वो रहती थी, या नबी की दूसरी बीवियों ने विरासत से कैसे हिस्सा लिया। ये मुस्तनद अहादीस में मौजूद है कि सैयद फ़ातिमा अबू बकर से नाराज़ हुई। हम इन चंद हकायक का इनकार नहीं कर सकते। सबसे पहला ये कि फ़िदक उनको नहीं दिया गया, उनका हक था, कुरान भी इसकी गवाही दे रहा है। हज़रत अबू बकर ने अम्बिया की विरासत वाली हदीस पढ़ी, वो खबर वायद थी जो कुरानी आयत से बढ़कर नहीं हो सकती। इस वीडियो को सुनने के बाद उलमा से जो सबसे पहला पॉइंट हमें सामने आया वो ये है कि जायदाद फिदक जो है वो हजूर की ज़ाती प्रॉपर्टी थी। दूसरा नुक्ता यह है कि शिया कहते हैं कि हजूर ने अपनी ज़िंदगी में ही ये जायदाद अपनी बेटी को दे दी थी। अगर ये जायदाद इस्लामी हवाले से बेटी की ना होती तो वो खुद मांगने ना आती। कम अज़ कम हज़रत अली उनको दरबार जाने से रोकते कि जब आपकी जायदाद बनती ही नहीं, आप वारिस ही नहीं, तो आप क्यों जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अली को भी इस मसले का इल्म ना हो जिसको नबी ने इल्म का दरवाज़ा कहा। चौथे पॉइंट में अहले सुन्नत के दो मौके पाए जाते हैं। एक मौक़ ये है कि उनको मसला विरासत का पता नहीं था। जब हज़रत अबू बकर ने विरासत वाली हदीस बताई तो वो बशरी तकाजे के तहत नाराज़ तो हुई लेकिन फिर वापस चली गई और बाद में कभी मुतालबा नहीं किया। अहले सुन्नत का दूसरा मौक़ यह है कि ये विरासत का मसला ही नहीं था, ये मसला मैनेजमेंट या इंतज़ाम का था। यानी सैयद फ़ातिमा ये चाहती थी कि बाग़ फिदक का जो इंतज़ाम है वो खुद चलाए, जबकि हुकूमत ने ये इंतज़ामी मामलात खुद किया और सैयद फ़ातिमा को इंतज़ामी मामलात नहीं देखने दिए। चौथे पॉइंट के मुताबिक सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है कि बीबी फ़ातिमा अबू बकर से नाराज़ हुई। इस पर अहले सुन्नत के दो राय हैं। पहली राय तो यह है कि ये बशरी तकाजे के साथ नाराज़ हुई, इसकी बुनियाद पर खलीफा की मजम्मत नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी राय यह है कि ये नाराज़गी वाली अहादीस सही नहीं है। इस समरी का आखिरी नुक्ता यह है कि अहले तशियों के मुताबिक ये इंतज़ामी झगड़ा नहीं था, बल्कि सही बुखारी और बाकी अहादीस में वाज़े लिखा है कि ये विरासत का झगड़ा था और अम्बिया की विरासत बिल्कुल होती है। तो ये थी इस वीडियो की मुख्तसर सी समरी। बाकी कौन किस हद तक सही है ये फ़ैसला आप ख़ुद बेहतर कर सकते हैं। हमारा काम था बग़ैर किसी बददियानती के तमाम उलमा की राय आप तक पहुँचाना। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अम्बिया की विरासत होती है या नहीं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए कंपैरेटिव स्टडी।